बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। टुडे इज़ योर फोर्थ लेक्चर एंड इन योर प्रीवियस लेक्चर, इन योर यस्टरडेज लेक्चर वी हैव कंप्लीटेड टिल क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ योर एक्सरसाइज 5.1। ठीक है, ओके जी। एक्सरसाइज को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको आज थोड़ा सा आपका जून का टास्क आपसे डिस्कस करूंगी, जो कि अब तक के जितने क्वेश्चन हम लोगों ने एक्सरसाइज 5.1 में किए हैं उससे रिलेटेड हैं। ठीक है, तो मैं अभी आपको बताऊंगी कि आपके जून टास्क में जो क्वेश्चन है वो कैसे करने हैं और आपके इसी एक्सरसाइज से रिलेटेड है वो। अच्छा जी, ये आपका ओके जी, ये आपका है जून टास्क। ठीक है, जिसमें आपके क्वेश्चन 1 और 2 आपकी एक्सरसाइज 5.1 से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 1 तो मैं अभी आपको सॉल्व करना बता दूंगी, लेकिन आपको मैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में, जो कि ये है आपकी क्वेश्चन नंबर 2 जो कि आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 है, जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में, लास्ट वीडियो में मैंने जो आपको समझाया, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप आपका लेक्चर नंबर 3 को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने के लिए। और 1 में अभी आपको ऑन द स्पॉट सॉल्व करके बताती हूँ कि इसको आपने किस तरह करना है। ये जो क्वेश्चन हैं ये आपकी एक्सरसाइज 5.1 से रिलेटेड हैं। ठीक हो गया, चलें जी अब आपके क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। ओके जी, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ योर जून टास्क, जो कि आपको है 3/2 मल्टीप्लाई बाई 2/3 -1/2 -1/3। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब आपके पास यहाँ पे एक ही ब्रैकेट है एंड दैट इज स्क्वेयर ब्रैकेट। स्क्वेयर ब्रैकेट के अंदर आपके पास 3 फ्रैक्शंस हैं जिनको आपने सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, हम तीनों को एट अ टाइम नहीं करेंगे, हम सेपरेट ग्रुप्स बना के करेंगे, लेकिन उससे पहले आपने ये देखना है कि इनको सब्ट्रैक्ट करने के लिए आपके पास इनका डिनोमिनेटर जो है वो सेम होना चाहिए। इनका डिनोमिनेटर आपके पास 1 का 3 है, 1 का 2, 1 का 3। अब आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि आप इसको करने के बहुत तरीके हैं कि सबसे पहले अगर आप इनको एक साथ वो कर दें, एक साथ इनका डिनोमिनेटर सेम कर दें इन तीनों का एलसीएम लेकर, या आप इस तरह भी कर सकते हैं कि 2/3 और 1/3 का एक जैसा डिनोमिनेटर है तो आप इनको पहले इस तरह से सॉल्व कर लें तो वो हमारे लिए आसान होगा। ठीक है, तो मैं इसको इस तरह करती हूँ, इसको थोड़ा अरेंज कर देती हूँ। जिनके डिनोमिनेटर जो है वो एक जैसे हैं उनको मैं एक साथ लिखती हूँ नेक्स्ट स्टेप में। ठीक हो गया, अब आप देखें 3/2 उसी तरह आएगा मल्टीप्लाई, अब ब्रैकेट के अंदर मैंने थोड़ी सी अरेंजमेंट्स करनी है, 2/3 उसी तरह होगा और इस 1 -1/3 को मैं 2/3 के पास ले आऊंगी। ठीक है, और 1 -1/2 को मैंने सेपरेट कर दिया है, साइड पे कर दिया है। अब आप देखें तो 2/3 और 1/3 का जो डिनोमिनेटर है वो एक जैसा है, इसलिए हम इनको पहले इजीली इसको हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अब कैसे करेंगे, अब आप नेक्स्ट स्टेप में इसी तरह 3/2 को नीचे उतारें और ब्रैकेट के अंदर, मतलब स्क्वेयर ब्रैकेट के अंदर आप 2/3 और 1/3 को सब्ट्रैक्ट करने के लिए 3 को एक दफा लिख लें और ऊपर 2 -1 उसके न्यूमिरेटर्स को लिख दें, और ये जो -1/2 है इसको भी आपने स्किप नहीं करना। बेशक हम इस पे काम नहीं कर रहे लेकिन इसको आपने स्किप नहीं करना, इसको आपने नेक्स्ट स्टेप में साथ आपके उतार देना है। ठीक है, अब आता है आपका अगला स्टेप जिसमें अगेन आप 3/2 और मल्टीप्लाई को नीचे उतारेंगे और अब स्क्वेयर ब्रैकेट के अंदर जो हमने डिनोमिनेटर को लिखा था एक दफा, अब इनको इसके न्यूमिरेटर्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे। 2 -1 अब ये हमारे पास सिंपल सिचुएशन में है, 2 -1 हमारे पास क्या होता है 1, तो हमारे पास क्या आ गया 1/3। अब 1/2 को भी आपने यहां पर दोबारा से नीचे उतारना है। इज दैट क्लियर। अब चलते हैं आपकी जो स्क्वेयर ब्रैकेट में पहले इन दोनों को करके हमारे पास 1 आ गई, तो अब 2 फ्रैक्शंस आपके पास बच गई। अब 2 फ्रैक्शंस के लिए आपने 1/3 -1/2 को करना है, उसके लिए आपने चेक करना है कि भाई डिनोमिनेटर सेम है कि नहीं। तो यहाँ पे तो 1 का डिनोमिनेटर 3 है, 1 का डिनोमिनेटर है 2, तो आप यहाँ पे क्या लेंगे 3 और 2 का एलसीएम। 3 और 2 का एलसीएम हमारे पास क्या आता है, आप चेक करें, पहले आपकी मर्जी, आप इसको 2 से कर लें, 3 2 के टेबल में नहीं आता, 3 मैंने नीचे दोबारा से लिख दिया, 2 1s are 2। अब 2 का खत्म हो गया, अब 3 को करना है, 3 नंबर रह गया, तो 3 1s are 3 और 1 ऊपर से नीचे, इसका मतलब हमारी फैक्टराइजेशन खत्म हो गई, हमारी डिवीजन हो गई। अब हम 2 3s are इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट ओवर एलसीएम। अब एलसीएम में हमें नंबर दिया है 6। अब आपने अपने 3 नंबर को और 2 को 6 बनाना है, जैसे कि मैं आपकी
प्रीवियस वीडियो में आपको बता चुकी हूँ। अब आपने क्या करना है, 1/3, 3 को आपने बनाना है 6, और साथ में 1/2 के 2 को आपने बनाना है 6। अब 3 का टेबल पढ़ें तो 3 1 3, 3 2 6, तो आपको 3 2 6, 2 को नीचे भी मल्टीप्लाई किया, 2 को ऊपर भी मल्टीप्लाई किया। अब चलते हैं आपके 2 के पास, 2 3 जर, अब 2 के टेबल आप पढ़ें तो 2 3 जर 6 होता है, नीचे भी मल्टीप्लाई किया, ऊपर भी 3 को मल्टीप्लाई किया। अब नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, 3/2 को दोबारा से नीचे उतार कर अब जो मल्टीप्लीकेशंस बनी है आपने उनको मल्टीप्लाई कर देना है, 1 2 जर 2, 3 2 जर 6। अब आपके पास माइनस 3 1 जर 3, 2 3 जर 6, ये आपके पास अब दोनों डिनोमिनेटर आपके पास आ गए सेम। ठीक है, अब चलते हैं आगे अगले स्टेप पर। ओके जी, आपके अगले स्टेप में है आपने 3/2 को दोबारा से नीचे दोबारा लिखना है, और स्क्वेयर ब्रैकेट में आपने 6 को एक दफा लिख कर अब इनके न्यूमिरेटर्स को आपने दोबारा से लिखना है, और वो है आपके पास 2 एंड -3। अब 2 और -3 को आप दोबारा लिखेंगे, 2 एंड -3 को हमने लिख दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में इक्वल का साइन आपने हर स्टेप में लगाना है, 3/2 मल्टीप्लाई, अब आपने इनको सॉल्व करना है। अब आप देखें तो 2 -3 है, मतलब छोटा नंबर पहले है, तो इसको हम ऑपोजिट साइन वाले रूल से सॉल्व करेंगे। ऑपोजिट साइन में हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, यू नो दिस, 3 में से 2 गए तो 1 रह गया। अब जो बड़ा नंबर है उसका साइन लगाना है, तो माइनस आ गया। अब हमने नीचे डिनोमिनेटर भी लिख देना है। अब आप देखें तो माइनस और मल्टीप्लाई का साइन एक साथ नहीं होगा, आप यहाँ ब्रैकेट लगा देंगे। ठीक है, अच्छा जी, अब यहाँ पे जिस तरह से मैं आपको प्लस माइनस के लिए कहती हूँ कि प्लस माइनस का साइन आपस में मल्टीप्लाई होता है, तो याद रखें मल्टीप्लाई और माइनस का साइन आपस में मल्टीप्लाई नहीं होता, इनके जो दो नंबर्स हैं उनके साइन आपस में मल्टीप्लाई होंगे। अब 3/2 के पास बेटा कोई साइन नहीं था जो कि मैंने शो कर दिया प्लस, इन दोनों के साइन आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो अब आप देखें, मैं प्लस और माइनस को आपस में मल्टीप्लाई करूंगी, तो प्लस माइनस क्या होता है, प्लस मल्टीप्लाई माइनस इज माइनस, सो यहाँ आ गया माइनस। अब इनके अगर अब इनकी कटिंग होती है तो आप इनकी कटिंग करें, अगर कटिंग पॉसिबल नहीं है तो इनको डायरेक्टली मल्टीप्लाई करें। तो अब कटिंग करने के लिए मैं देखती हूँ, या आप इनको दोबारा से नेक्स्ट स्टेप में उतार लें विद दिस न्यू माइनस साइन, जो कि पहले मैंने माइनस साइन को मल्टीप्लाई किया, अब मैं इनकी कटिंग पे आ गई हूँ। कटिंग करने के लिए मैंने क्रॉस चेक किया, इन दोनों की भी नहीं होती, सॉरी अप एंड डाउन चेक किया, 3 और 2 की भी नहीं होती, 1/6 की भी नहीं होती। अब मैं क्रॉस में 3 और 6 की होती है, 3 के टेबल में मैं उनकी कटिंग करूंगी, 3 1 जर 3, 3 2 जर 6। अब आपके पास 1 और 2 की कटिंग नहीं हो रही थी, अब माइनस का साइन मैं नीचे उतारा और न्यू फ्रैक्शंस लिखूंगी, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2। अब आपके पास आंसर आ गया माइनस, और अब आप इनकी फ्रैक्शंस को कटिंग हो गई तो आमने सामने मल्टीप्लाई कर दें, 1 1 जर 1, 2 2 जर 4, ये आपका आ गया आंसर। इज दैट क्लियर? आपका टास्क का पहला क्वेश्चन जो था वो मैंने आपके लिए यहाँ पर ये सॉल्व कर दिया, इसकी हेल्प से आपने आपका टास्क कर लेना है। अच्छा जी, अब चलते हैं आपकी एक्सरसाइज को आगे बढ़ाते हैं, जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन 6 तक किया था, और ये जो आपका टास्क है ये उसी से रिलेटेड है क्वेश्चन, तो आपने उसी की हेल्प से करना है। अब चलते हैं आपकी एक्सरसाइज को आगे बढ़ाने के लिए। आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 मैंने आपके लिए सॉल्व किया है, मैं वो आपको अब सिखाती हूँ। ठीक है, ओके जी, आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 है, 2 होल 1/4 माइनस स्क्वेयर ब्रैकेट 3/2 डिवाइडेड बाय कर्ली ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट 5/2 माइनस 1/4 मल्टीप्लाई बाय 4/3 कर्ली ब्रैकेट, और आपकी स्क्वेयर ब्रैकेट जो है वो क्लोज हो गई। ठीक है, अब जैसे कि आपको पता है आपके पास यहाँ पे 3 ब्रैकेट्स हैं, एक स्मॉल ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट एंड स्क्वेयर ब्रैकेट, आपने इनको लाइन वाइज करना है जो इसका ऑर्डर है। सबसे पहले हम स्मॉल ब्रैकेट करते हैं, आपको अब तक समझ आ गई होगी कि सबसे पहले आप स्मॉल ब्रैकेट करेंगे, जब वो सॉल्व हो जाएगी देन यू विल डू कर्ली ब्रैकेट, देन लास्ट में आप स्क्वेयर ब्रैकेट करेंगे। अब क्वेश्चन सोल्यूशन के बाद मैंने क्वेश्चन को रिपीट किया। ठीक है, अब स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए मेरे पास स्मॉल ब्रैकेट में है 5/2 -1/4। अब 2 और 4 का दोनों का डिनोमिनेटर डिफरेंट है, हम इनको डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, सो फर्स्ट वी विल टेक एलसीएम।
अब एलसीएम लेने के लिए देखें, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 1s are 2, 2 2s are 4 हमने कर टू और टू को मल्टीप्लाई किया तो हमें एलसीएम मिला 4। अब नेक्स्ट स्टेप में आपने 2 को भी 4 बनाना है और 4 को भी 4 बनाना है। अब नेक्स्ट स्टेप में आपने स्मॉल ब्रैकेट तक दोबारा से इसको नीचे उतार दिया, सब चीजों को आपने हर जगह से नीचे उतार दिया, सिर्फ स्मॉल ब्रैकेट के अंदर हम लोग काम करेंगे। अब स्मॉल ब्रैकेट के अंदर आपके पास 2 था, 2 को हमने 4 बनाना था, 2 का टेबल पड़ा 2 1s are 2, 2 2s are 4, हमने 2 के साथ ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करना है जो कि 4 बन जाए, तो 2 2s are 4 आता है, तो 2 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, तो ऊपर भी हमने 2 को ही मल्टीप्लाई किया, ठीक हो गया। अब माइनस, अब 1 by 4, 4 4 था, 4 को 1 से ही मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास इस तरह से आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में अगेन आपने स्मॉल ब्रैकेट में काम करना है, तो बाकी सारी टर्म्स और ब्रैकेट्स को आप नीचे उतार लें। अब 5 2s are 10, 5 2s are 10, 2 2s are 4, हमने मल्टीप्लीकेशंस कर दी जो हमने ऊपर से एक स्केच सा बनाया था, 1 1s are 4, 4 1s are 4। अब आपके पास स्मॉल ब्रैकेट में आ गया 10 by 4 माइनस 1 by 4। नेक्स्ट स्टेप में अगेन हम लोगों ने स्मॉल ब्रैकेट पे काम करना है। अब स्मॉल ब्रैकेट में आपके पास मैंने डिनोमिनेटर को 4 4, डिनोमिनेटर सेम हो गया था, एक दफा लिख लिया और 10 - 1 लिख दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में अगेन आपने आपकी स्मॉल ब्रैकेट में जो आंसर आएगा वो आपने लिखना है। अब ऊपर से मैंने सारी टर्म्स को नीचे उतार लिया, अब आप देखें यहां तक नीचे उतार लिया। अब आप देखें 10 - 1 मेरे पास बना था 9 by 4, 10 - 1 9 और 4 उसका डिनोमिनेटर, मल्टीप्लाई 4 by 3 भी मैंने ऊपर से उतारा था। अब जब कर्ली ब्रैकेट की टर्न थी, क्योंकि स्मॉल ब्रैकेट में 9 by 4 के बाद स्मॉल ब्रैकेट आपकी सॉल्व हो गई थी, अब कर्ली ब्रैकेट के अंदर आपकी मल्टीप्लीकेशन थी, तो फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करने के लिए वी डू कटिंग्स। तो अब देखें अप एंड डाउन 9 और 4 की कटिंग नहीं हो रही थी, 4 और 3 की नहीं हो रही थी, तो मैंने क्रॉस में 3 और 9 की 3 1s are 3, 3 3s are 9, इसी स्टेप में मैंने कटिंग कर ली। अब क्रॉस में 4 और 4 की कटिंग हो रही थी तो मैंने 4 1s are 4, 4 1s are 4 की कटिंग की। अब नेक्स्ट स्टेप में कर्ली ब्रैकेट में जो नई फ्रैक्शन आई है हमने उसको करना है, ऊपर से बाकी आप सारी चीजों को वैसे का वैसे ही नीचे उतार लें। अब नई फ्रैक्शन मेरे पास बनी थी 3 by 1 मल्टीप्लाई 1 by 1। अब नेक्स्ट स्टेप में, अब नेक्स्ट स्टेप पे जाने से पहले आप ये देखें कि अब कोई कटिंग पॉसिबल नहीं है, तो हम इनको आमने सामने करेंगे मल्टीप्लाई, तो 3 1s are 3 और 1 1s are 1 आएगा, ठीक है। अब आप देखें तो 3 by 1 आपका आंसर आ गया था कर्ली ब्रैकेट का। अब कर्ली ब्रैकेट का जो आंसर है, अब उसको कर्ली ब्रैकेट आपकी सॉल्व हो गई, तो जो आपके पास स्क्वेयर ब्रैकेट में था जो नीचे से हम लोगों ने दोबारा से रिपीट किया वो था 3 by 2 डिवाइडेड बाय, और 3 by 1 आपकी कर्ली ब्रैकेट का आंसर था। अब आपने क्या करना है, स्क्वेयर ब्रैकेट में आपके पास ऑपरेशन डिवीजन है, डिवीजन का मैंने आपको इससे पिछली वीडियो में भी बताया था कि आपने डिवाइड के साइन को बनाना है मल्टीप्लाई, पहली वाली फ्रैक्शन आपने वैसी की वैसे ही नीचे उतारनी है, ठीक हो गया। दूसरी फ्रैक्शन को आपने कर देना है रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल का मतलब आपने इसको उलट कर देना है, 3 by 1 से वो बन गई 1 by 3। अब जब मल्टीप्लाई आ गई तो मल्टीप्लाई को हम किस तरह करते हैं, कटिंग करके, तो 3 और 3 की कटिंग हो रही थी, 3 1s are 3, 3 1s are 3 मैंने उसको कट कर दिया, ठीक है। अब न्यू फ्रैक्शंस हमारे पास क्या आ गई हैं, ऊपर से मैं ये 2 whole 1 by 4 आखिर तक लेके आऊंगी जब तक इसकी टर्न नहीं आएगी, ठीक है। अब चलते हैं 1 - 1 by 2 मल्टीप्लाई 1 by 1, ये न्यू फ्रैक्शंस आपके पास आई थी, अब इनको हमने आमने सामने मल्टीप्लाई कर लेना है क्योंकि कटिंग पॉसिबिलिटी अब खत्म। अब 1 1s are 1 हो गया, 2 1s are 2, तो आपके पास स्क्वेयर ब्रैकेट भी सॉल्व हो गई और उसका आंसर आ गया 1 by 2। अब आपके पास है ऊपर 2 whole 1 by 4 जो कि स्टार्ट से आपके पास आ रहा था, उसको सॉल्व करने के लिए आप सबसे पहले मिक्स फ्रैक्शन को आप चेंज करेंगे इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, उसको करने के लिए आपने 4 और 2 को मल्टीप्लाई किया और देन प्लस किया, 4 2s are क्या आता है 8, 8 + 1 आपके पास आ गया 9 और डिनोमिनेटर वही का वही रहता है, तो 9 by 4 आपकी मिक्स फ्रैक्शन का आंसर आ गया जो कि आपकी है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, माइनस ऊपर से नीचे आया, 1 by 2 ऊपर से नीचे आया। अब इनको सब्ट्रैक करने के लिए आपने इनका डिनोमिनेटर सेम करना है। अब डिनोमिनेटर सेम करने के लिए यू विल डू द एलसीएम ऑफ 4 and 2 जो कि हमने पीछे भी किया, मैं दोबारा कर रही हूं, 2 2s are 4, 2 1s are 2, अब 2 1s are 2 and 1, आपके पास एलसीएम इसका क्या आएगा, 2 multiply 2 is 4, तो 4 LCM आ गया। आपने 4 को भी 4 बनाना है और 2 को भी 4। अब 4 के टेबल में 4 कहाँ आता है, 4 1s are 4, हमने 4 का टेबल पड़ा वो किया, फिर ऊपर भी 1 को मल्टीप्लाई किया 9 के साथ। अब माइनस 1 by 2, 2 को हमने 4 बनाने के लिए 2 multiply 2, 1 2s are 2, तो 2 2s are 4,
आपको मिल जाएगा 4। अब नेक्स्ट स्टेप में जब हमने मल्टीप्लीकेशन रेडी कर ली तो अब नेक्स्ट स्टेप में हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे। अब मल्टीप्लाई करने के लिए आपने 9 1 9, 4 1 4, 2 1 2, 2 2 4, आपके दोनों के डिनोमिनेटर जो है वो सेम हो गए। अब नेक्स्ट स्टेप में आप बेशक इनको एक दफा डिनोमिनेटर को लिखें और 9 2 को आप रेडी करें और नेक्स्ट स्टेप में आप इसको माइनस कर दें। अब 9 2 आपके पास क्या है, 7। 7/4 आपका आंसर आ गया। अब 7/4 इज योर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को यू विल चेंज इनटू इन मिक्स्ड फ्रैक्शन। आप डिवीजन करेंगे 7/7 को अंदर, 4 को बाहर, और 4 का टेबल पढ़ के आप डिवाइड करके अपनी मिक्स्ड फ्रैक्शन बनाएंगे। 4 1 4 और 4 2 8 आता है जो कि 7 से बड़ा है, तो 4 1 4 करके अब माइनस किया 7 में से 4 को तो 3 आ गया। अब 1 जो है वो 4 की जगह ले लेगा जो कि साइड पे आ जाएगा। मैंने आपको पहले भी बताया 1 क्वोशेंट है तो वो होल नंबर होगा। 4 जो है वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा और 3 जो है वो 1 की जगह ले लेगा। तो ये आपका आंसर ठीक हो गया। अब आज की वीडियो में आपके लिए इतना ही काम है। आपकी क्वेश्चन नंबर 7 को मैंने सॉल्व किया और साथ में आपको थोड़ा सा टास्क भी बता दिया। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। इंशाल्लाह आपकी अगले लेक्चर्स में आपको इससे आगे काम करवाया जाएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।